बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर नंबर 5 की लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 5.4। कहा गया है रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, यानी जितने भी क्वेश्चन हैं उनके क्या बनाने हैं, अपने पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैप्टर की स्टोरी के ऊपर बात कर सकूँ, तो स्टोरी कुछ यूँ है। एक्सरसाइज नंबर 5.1 में हमारे पास जो फ्रैक्शन थे वो उनके स्टाइल कुछ यूँ थी। न्यूमिरेटर में एक पॉलीनोमियल था और डिनोमिनेटर में दो या उससे ज़्यादा लीनियर इनटू लीनियर फॉर्म में फैक्टर पड़े होते थे, ठीक है। 5.2 में क्या चेंज आया, ऊपर उसी तरह पॉलीनोमियल और नीचे लीनियर इनटू लीनियर ही थे, लेकिन उनमें से कोई एक लीनियर रिपीट हो रहा था, आर मतलब रिपीट हो रहा था, ठीक है। 5.3 में स्टोरी कुछ यूँ हुई कि ऊपर न्यूमिनेटर में एक पॉलीनोमियल और डिनोमिनेटर में लीनियर टाइम कोई क्वाड्रेटिक टर्म थी, ठीक है। लीनियर टाइम क्वाड्रेटिक टर्म आ गई थी, ठीक है। अब क्या होगा, अब 5.4 ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें क्वाड्रेटिक टर्म क्या हो रही होगी, रिपीट हो रही होगी और उसके साथ एक लीनियर टर्म पड़ी होगी, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि लीनियर टर्म हो ही ना, सिर्फ क्वाड्रेटिक टर्म रिपीट हो रही हो, लेकिन मोस्ट ऑफ दी यही केस जो है ना वो 5.4 में ऑब्जर्व किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पहले अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 टू द होल स्क्वेयर इनटू एक्स नेगेटिव 1। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये ऑब्जर्व करें क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप देखें, ऑब्जर्व करें, ऊपर वाले की डिग्री है 2, ऊपर वाले की डिग्री कितनी है, न्यूमिरेटर की डिग्री क्या है 2, और डिनोमिनेटर की डिग्री के ऊपर बात करें तो एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर है तो वो बन जाएगा एक्स की पावर 4। एक्स की पावर 4 जब इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 5 मैक्सिमम आएगी, यानी डिनोमिनेटर की डिग्री है 5। तो 5 देखें, 5 क्योंकि ग्रेटर देन नंबर है 2 से, दिस मीन्स दैट कि डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम लोग इसके बनाते हैं फ्रैक्शन। अब देखें स्टूडेंट, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ये क्वाड्रेटिक है और ये दो दफ़ा रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर ये दो दफ़ा रिपीट हो रहा है तो दो फ्रैक्शन जो है वो किसके लिए हो गए, दो फ्रैक्शन हो गए इनके लिए। फिर ये एक लीनियर टर्म है, एक फ्रैक्शन इसके लिए, टोटल 3 फ्रैक्शन यहाँ पे। अब एक्स स्क्वेयर प्लस 1 कितनी दफ़ा आ रहा है, दो दफ़ा रिपीट हो रहा है। पहली दफ़ा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की होल पावर 1, फिर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर 2, और लास्ट पे एक्स माइनस 1, ये यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। अब स्टूडेंट देखें, ये क्वाड्रेटिक टर्म है तो इसके ऊपर दो कॉन्स्टेंट लगेंगे, हमने ए एक्स प्लस बी लगा दिया। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके ऊपर भी दो कॉन्स्टेंट सी एक्स प्लस डी लगा दिया। ये एक लीनियर टर्म है तो इसके लिए ऊपर एक कॉन्स्टेंट जो कि हमने एफ लगा दिया। अब हम क्या काम करेंगे, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 जिसको नाम दिया हुआ हम लोगों ने, ठीक है, हम इस इक्वेशन को फ्रैक्शन लेस बनाएंगे। तो उसके लिए जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर है ना, इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों तरफ, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लेफ्ट साइड पे ओनली क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर, वो लिख दिया। राइट साइड पे हम लोगों ने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। चलें स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्या काम करना है, हमें पता है कि यहाँ पर हमारा मकसद है कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करना, और कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, दो मेथड है। पहला मेथड कौन सा मेथड है, मेकिंग कॉफिशेंट ज़ीरो। कितने कॉफिशेंट ज़ीरो बनाए जा सकते हैं, आप क्वेश्चन में चले जाएँ, क्वेश्चन में देखें कि डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म्स कितनी है, तो लीनियर टर्म्स ये सिर्फ एक है, तो एक कॉफिशेंट ज़ीरो बनाया जा सकता है। जितनी लीनियर टर्म होंगी डिनोमिनेटर में उतने कॉफिशेंट ज़ीरो बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले आप कॉफिशेंट को ज़ीरो बनाएं, उसके बाद आप इक्वेटिंग कॉफिशेंट पे चले जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम उसके लिए ये कॉफिशेंट था एक्स माइनस 1, हमने इस एक्स माइनस 1 को ज़ीरो पुट किया, ठीक है। सो पुट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। लेफ्ट साइड में जब हमने पुट किया तो वो बन गया 1 स्क्वेयर, और क्योंकि ये ए एक्स प्लस बी वाली टर्म में ये एक्स माइनस 1 आ रहा है, इसकी जगह पर जब ज़ीरो पुट किया तो ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी मल्टी, क्योंकि ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। सिर्फ आपको इस एफ वाली टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा, ये बन जाएगा एफ टाइम 1 स्क्वेयर प्लस 1 टू द होल स्क्वेयर। देखें 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 स्क्वेयर कितना हो जाएगा 4, एफ टाइम 4, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, एफ इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 1/4, ठीक है। ये हमारे पास एक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग रेस्ट ऑफ की जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब उसके लिए हम लोगों ने करना क्या है, उसके लिए हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 को सिंपलीफाई करना है। इक्वेशन नंबर 2 को हमने क्या करना है स्टूडेंट्स,
सिंप्लीफाई करना है। व्हाट मीन बाय सिंप्लीफाई? सिंप्लीफाई मीन्स डैट के जैसे ये दो टर्म है इनको मल्टीप्लाई करवा दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें और इसका स्केयर ओपन हो रहा है, इसका स्केयर ओपन कर दें। ठीक है, तो देखिएगा ये बन जाएगा एक्स स्केयर इज इक्वल टू ये ए एक्स प्लस बी सेम लिख लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट करवाएं, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा एक्स स्क्वेयर जब इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर जब इस नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये वन जब मल्टीप्लाई होगा वन टाइम एक्स इज वन एंड वन टाइम नेगेटिव वन इज नेगेटिव वन, सो ये आ जाएगा प्लस प्लस एक्स और नेगेटिव वन। नेक्स्ट सिमिलरली आप सी एक्स को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे सी एक्स स्क्वेयर नेगेटिव सी एक्स, नेगेटिव सी एक्स, देन एक्स माइनस वन, नो इट्स डी प्लस डी एक्स माइनस डी प्लस डी एक्स माइनस डी और यहाँ पे भी आएगा डी एक्स। यस यहाँ पे एक्स माइनस वन आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग इसका स्केयर ओपन करने जा रहे हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वन का होल स्केयर। ठीक है, तो ये बन जाएगा एफ प्लस एफ टाइम फर्स्ट टर्म का स्केयर वो बन जाएगा एक्स फोर प्लस टू फार्मूला का एक्स स्क्वेयर प्लस वन। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, राइट साइड पे इनको अरेंज करके लिख लें। स्टूडेंट जब हम लोग अरेंज करेंगे मजीद हमें इसको सिंप्लीफाई करवाना पड़ेगा, ये वाली टर्म इन सारी से मल्टीप्लाई हो रही है इनको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। सो ए एक्स जब एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ए एक्स क्यूब नेगेटिव ए एक्स स्क्वेयर नॉट एक्स क्यूब बट ए एक्स टू द पावर फोर, यहाँ पर बनेगा क्यूब और ए एक्स जब प्लस के एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स जब माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव ए एक्स। सिमिलरली बी को मल्टीप्लाई करवाएं प्लस बी एक्स क्यूब नेगेटिव बी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स नेगेटिव बी प्लस सी एक्स स्क्वेयर नेगेटिव सी एक्स प्लस डी एक्स नेगेटिव डी। एफ को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा प्लस एफ एक्स टू द पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वेयर टू एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ। फ्रेंड्स अब हमें पता क्या काम करना होगा, अब हमें इनको अरेंज करना होगा। ठीक है, मैं ये काम करता हूँ कि मैं ना यहाँ पर ही इनको सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। जी स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पे क्या है एक्स स्क्वेयर वो तो एज इट इज़ आ जाएगा, राइट साइड पे इनको अरेंज करते हैं एक्स की पावर फोर वाली ये टर्म है और ये टर्म है, इनमें से कॉमन क्या आ सकता है एक्स टू द पावर फोर, तो बाकी बचेगा ए प्लस एफ टाइम्स एक्स टू द पावर फोर प्लस अब एक्स क्यूब वाली टर्म में से एक्स क्यूब कॉमन ले लें, इधर से क्या बचेगा माइनस ए नेगेटिव ए, नेक्स्ट प्लस बी, जी बस यही दो टर्म है जिनमें क्यूब वाली टर्म इन्वॉल्व हो रही थी टाइम एक्स क्यूब ओ वैसे, देन प्लस अब एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लें, एक्स स्क्वेयर किस किस में आ रहा है एक ये टर्म होगी, एक ये टर्म होगी दो तीन और ये चार, इनमें से आप एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा एक्स स्क्वेयर कॉमन आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप एक्स वाली टर्म को कॉमन ले लें,
एक्स वाले टर्म कौन कौन सी हैं? नेगेटिव ए प्लस बी, नेगेटिव सी प्लस डी टाइम्स एक्स, प्लस जो रेस्ट ऑफ द टर्म्स हैं वो कांस्टेंट टर्म्स हैं। और वो कौन कौन सी हैं? नेगेटिव बी, नेगेटिव डी प्लस एफ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वो सारी टर्म्स आ गई। ठीक है, अब देखें दोनों साइड पे मैक्सिमम पावर कितनी है। एक्स की पावर 4 मैक्सिमम है, तो हम वहाँ से कोफिशेंट्स को कंपेयर करना स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशेंट ऑफ एक्स टू द पावर 4, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर, एक्स और कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये इनकी जो कंपेयरिंग है वो मैं नेक्स्ट पेज पे करने जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो आसानी रहे। लेफ्ट साइड पे एक्स फोर वाली टर्म ही कोई नहीं, और राइट साइड पे एक्स फोर वाली टर्म क्या है? ए प्लस एफ। सो ये बन जाएगा ज़ीरो इक्वल टू ए प्लस एफ, एक्स नेक्स्ट उसके बाद एक्स क्यूब वाली टर्म। लेफ्ट साइड पे भी एक्स क्यूब वाली टर्म कोई नहीं, राइट साइड पे नेगेटिव ए प्लस बी। सो ये बन जाएगा ज़ीरो इज इक्वल टू नेगेटिव ए प्लस बी। एक्स क्यूब के बाद स्टूडेंट्स हमने एक्स स्क्वेयर वाली को करना है। लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट है 1, और राइट साइड पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट क्या है? ए माइनस बी प्लस सी प्लस 2 है। 1 इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी प्लस 2f। उसके बाद x वाले टर्म्स को कंपेयर करना है हमने। लेफ्ट साइड पे x वाली टर्म ही नहीं है 0, राइट साइड पे x वाली टर्म का कोफिशियंट क्या है? नेगेटिव a प्लस बी नेगेटिव सी प्लस डी। और x के बाद कांस्टेंट टर्म को, लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट 0 है, और राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म क्या है? इट इज नेगेटिव बी नेगेटिव डी प्लस एफ। ये स्टूडेंट्स हमने सारी इक्वेशंस बना लिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 तक हमने आगे नाम दिया हुआ है, हम लोग इनको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 ये इक्वेशन नंबर 4 होगी, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7, 3, 4, 5, 6, 7। अब हमने इन सारी इक्वेशन को सॉल्व करना है और इन कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है हमने इनको। ठीक है, ए की वैल्यू स्टूडेंट्स आपने पीछे फाइंड की हुई है एफ की, आप एफ की वैल्यू यूज़ कर लें आगे। इसकी वैल्यू क्या है? 1/4 आप इस इक्वेशन में यूज़ करें, इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, एफ की वैल्यू जब यूज़ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 0 इज इक्वल टू ए प्लस 1/4। तो स्टूडेंट यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी नेगेटिव 1/4। ये दो वैल्यूज हो गई स्टूडेंट्स। अब आपके लिए मसला नहीं है शायद इतना, आपने ये वाली वैल्यूज़ आके सब्स्टिट्यूट करते जाना है और सब्स्टिट्यूट करके हमें वैल्यूज़ मिलती जाएंगे इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप ये ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखें पुट इन इक्वेशन नंबर 4, तो वो बन जाएगा 0 इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव 1/4 प्लस बी। यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी 1/4,
क्योंकि ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाने, और ये पॉजिटिव का 1/4 इस तरफ आगे नेगेटिव 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये साथ नेगेटिव आ गया, ये बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट क्या काम करें हम लोग, नेक्स्ट हम लोग ये कर सकते हैं कि ए बी और एफ तीन वैल्यूज आ चुकी हैं, स्टूडेंट्स ए बी और एफ की वैल्यू वही क्वेश्चन नंबर 5 में पुट करें, यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जी तो इक्वेशन में 5 है, लेफ्ट साइड बाई 1 इज इक्वल टू ए, ए की वैल्यू नेगेटिव 1/4 नेगेटिव, और बी की वैल्यू नेगेटिव 1/4 इट बिकम पॉजिटिव 1/4 ओके, प्लस सी प्लस 2 टाइम एफ, एफ है 1/4, ये पॉजिटिव 1/4 नेगेटिव 1/4 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4, ये पॉजिटिव का 1/2 उस तरफ जाकर -1/2 हो जाएगा, बन जाएगा 1 -1/2 इज इक्वल टू सी, यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। ठीक है, आप इस कैल्शियम देके इसको फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग ये काम करते हैं कि इक्वेशन नंबर 6 को देखें, यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू यूज़ करें तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ए बी सी और डी की वैल्यूज़, ए की वैल्यूज़ क्या हैं आप लिख लें, पुट जी स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 6 में ये वाली वैल्यूज़ पुट करें, जब 6 में पुट करेंगे ए है नेगेटिव ए और ये नेगेटिव 1/4 तो ये पॉजिटिव 1/4 हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 1/4 नेक्स्ट प्लस बी, बी का लिए -1/4 तो बन जाएगा -1/4 नेगेटिव सी, यानी सी की जगह पर उसकी वैल्यू 1/2 नेगेटिव 1/2 प्लस डी वो एजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव 1/4 और पॉजिटिव 1/4 काट गए, यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, ये नेगेटिव 1/2 उस तरफ शिफ्ट होके क्या बन जाएगा पॉजिटिव 1/2 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 7 में वैल्यू यूज करें, डी बी और एफ, डी की भी वैल्यू हमारे पास आ गई है, यस बी की भी है और एफ की भी है, तो इक्वेशन नंबर 7 से आपको कुछ भी नहीं, बस वही सारी वैल्यूज़ जो हमें चाहिए थी वो हम लोगों ने फाइंड कर ली हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ हम लोग इसमें यूज़ कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सो हम लोग कहेंगे A, B, C, D and F in equation number 1। अगर स्टूडेंट्स वो बाई मिस्टेक यहाँ पे A, B, C, D के बाद E वाला कॉन्स्टेंट यूज़ करना चाहिए था, तो कोई इशू नहीं, हमने क्योंकि कॉन्स्टेंट लगाना था, चलो E नहीं तो हमने F लगा लिया, तो उसके मुताबिक हमारी F की वैल्यू आई हुई है। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 ये थी, एक्स के अपॉन सबसे पहले स्टूडेंट्स ए की वैल्यू, ए की वैल्यू है नेगेटिव 1/4x, नेगेटिव 1/4x प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी आई है वो भी नेगेटिव 1/4, तो यहाँ पर आके जाएगा नेगेटिव 1/4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, नेक्स्ट स्टूडेंट
यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू लिख लेंगे हम लोग, प्लस यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू लिख लें। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन टू दी होल स्क्वेयर, इसके ऊपर आएगा ए एक्स प्लस बी सी, सी की वैल्यू कितनी आई हुई है वन बाय टू, इट बिकम वन बाय टू एक्स प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी आई है वन बाय टू प्लस वन बाय टू, और यहाँ पर नीचे है एक्स माइनस वन और एफ, एफ़ की वैल्यू क्या आई हुई है वही वन बाय फोर, वन जाएगा वन बाय फोर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा, देखें ऊपर एलसीएम कितना बन रहा है, फोर एलसीएम बन रहा है ना, अगर फोर एलसीएम ले लिया जाए तो ऊपर क्या आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वन, तो ये जो फोर है ना यहाँ पे वो इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ माइनस एक्स माइनस वन अपॉन फोर टाइम एक्स स्क्वेयर प्लस वन, सिमिलरली प्लस एक्स प्लस वन टाइम अपॉन टू टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस वन टू द होल स्क्वेयर प्लस वन बाय फोर टाइम्स एक्स माइनस वन। ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर टू का। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थ्री ये मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से करें। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, इसको मैं अगर सिर्फ आपको इसको फैक्टर बना कर दिखा दूं तो वो कुछ यूँ होंगे, जी स्टूडेंट्स सबसे पहले ये फोकस करेंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, यस ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाले की डिग्री एक है नीचे वाले की डिग्री पाँच बन रही है। अब इसके फ्रैक्शन बना लेते हैं स्टूडेंट्स, इसके फ्रैक्शन क्या बनेंगे, लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड पे है टू एक्स नेगेटिव वन अपॉन इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट्स इसके ना तीन फ्रैक्शन बनेंगे, देखें एक्स स्क्वेयर प्लस टू कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, दो दफ़ा, दो इसके लिए हो गए और एक लीनियर टर्म के लिए हो गया। तो जब इसके तीन फ्रैक्शन बनेंगे तो तीन फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले ना स्पेस छोड़ लेते हैं हम लोग, प्लस प्लस जी स्टूडेंट्स सबसे पहले ये एक्स स्क्वेयर प्लस टू दो दफ़ा आ रहा है, तो अब एक्स स्क्वेयर प्लस टू और यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस टू का होल स्क्वेयर और एक्स माइनस टू, इसको यहाँ पे लास्ट में लिख लें। अब ये जो पहले वाली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके ऊपर दो कांस्टेंट लगेंगे ए एक्स प्लस बी, ये भी क्वाड्रेटिक है इसके ऊपर लगेंगे सी एक्स प्लस डी, और ये लीनियर है इसके ऊपर ए बी सी डी एंड ई लग जाएगा। फ्रेंड्स इसको ना हम लोग दे रहे हैं नाम इक्वेशन नंबर वन का, किसका नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर वन का, ठीक है, हमेशा हम लोग इसको इक्वेशन नंबर वन का ही नाम दे लेते होते थे। स्टूडेंट्स अब हम लोग करेंगे ये कि हमने अब इस क्वेश्चन नंबर वन में से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे इन कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करने के दो मेथड हैं, बाय मेकिंग कोएफिशिएंट जीरो और बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट जीरो। आपको इस क्वेश्चन को देख के अंदाज़ा होगा कि आप एक कोएफिशिएंट जीरो बना सकते हैं क्योंकि एक लीनियर फैक्टर आ रहा है, जितने क्वेश्चन में लीनियर फैक्टर हो ना उतने को जीरो बनाया जा सकता है। तो जो बाकी के चार कांस्टेंट्स होंगे, टोटल पाँच कांस्टेंट हैं ए बी सी डी ई, पांच में से एक कोएफिशिएंट को ज़ीरो बना के और जो बाकी के चार हैं वो कैसे फाइंड होके, वो वैल्यूज को पुट करके जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है। चलें स्टूडेंट्स हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसका नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर वन अटैम्प्ट करने लगा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन क्या है, उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, जी स्टूडेंट्स अगर आप इस पर गौर करें तो इसमें डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो दो दफ़ा रिपीट हो रही है। अब देखें प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, ऊपर वाले की डिग्री तीन और नीचे वाले की डिग्री चार बनी, क्योंकि ये स्केयर का जब स्केयर होना है ना तो इसमें चार हो जाना है।
इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह स्टूडेंट्स कि आप लोग डायरेक्टली इसके फ्रैक्शन बना सकते हैं, ठीक है। चलें स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, अब देखें क्योंकि इस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दफ़ा रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर दो फ्रैक्शन बनेंगे, ठीक है। ये दो फ्रैक्शन बन गए, तो अब सबसे पहले ये काम करें, अपना दो फ्रैक्शन के लिए स्पेस छोड़ लें। ये पहला फ्रैक्शन हो गया प्लस, और यहाँ पर ये हमारा दूसरा फ्रैक्शन आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इनकी वैल्यूज़ कुछ यूँ हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वेयर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके ऊपर दो कांस्टेंट ए एक्स प्लस बी, और इसके ऊपर भी दो कांस्टेंट सी एक्स प्लस डी। इसका नाम ना हम लोग स्टूडेंट्स रख रहे हैं इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। इसका नाम कौन सी इक्वेशन रख लेते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर वन रख लेते हैं। उसका फ़ायदा यह होगा इक्वेशन नंबर वन, ये अब हमने सब क्या काम करना है, इस इक्वेशन नंबर वन को फ्रैक्शन लेस बनाना है। उसके लिए जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर ना उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। सो डू मल्टीप्लाई इट, बोथ साइड पर इसको मल्टीप्लाई करवा दें। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइम सी एक्स प्लस डी। इसका नाम रखना है इक्वेशन नंबर टू, बल्कि आपको इसका नाम इक्वेशन नंबर टू पे रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसमें कोई कॉफिशियन भी हम लोग ज़ीरो नहीं बना सकते। वजह क्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई भी लीनियर फैक्टर है ही नहीं, दोनों क्वाड्रेटिक है, तो सिर्फ इसके ऊपर आप एक ही टेक्निक अप्लाई करवा सकते हैं, और वो है इक्वेटिंग कॉफिशियन। तो आप इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करें, अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएं, ए एक्स जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी। फ्रेंड्स, इनको अरेंज करके अगर लिख लिया जाए, ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस, ये क्यूबिक टर्म एक ही है, ठीक है। स्क्वेयर वाली कितनी टर्म्स हैं, स्क्वेयर किस किस में आ रहा है, इस टर्म में आ रहा है और इस टर्म में आ रहा है। सो इट बिकम ए प्लस बी टाइम्स एक्स स्क्वेयर। फ्रेंड्स, एक्स वाली टर्म को अरेंज करें तो एक्स देखें किस किस में आ रहा है, इस टर्म में और इस टर्म में, इन तीनों में से एक्स कॉमन ले लें। ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स एक्स, और जो रेस्ट ऑफ द टर्म्स हैं वो कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। यानी कौन कौन सी टर्म बचेंगी, बी प्लस डी प्लस बी प्लस डी। आप स्टूडेंट्स, आप इनके कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लें, सबसे बड़ी पावर दोनों साइड पे कितनी है, क्यूब है, तो वहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट करें। यहाँ पे कहें कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स, इन सभी के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर लें। लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है, वन, वो लिख दिया। राइट साइड पे कोएफिशिएंट क्या है, ए, वो लिख दिया। लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाले टर्म तो ज़ीरो, और उधर से वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, ठीक है। फिर एक्स वाली, एक्स का कोएफिशिएंट है इधर टू, और उधर क्या वैल्यू है, ए प्लस बी प्लस सी, और नेक्स्ट कांस्टेंट इधर टू है कांस्टेंट, और उधर क्या है, बी प्लस डी। इसका नाम इक्वेशन नंबर टू रख लें, ये थ्री, ये फोर,
और ये 5। स्टूडेंट्स मैं ना इनका सोल्यूशन यहाँ पर ही आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, उसकी वजह यह है, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ना यहाँ से सारा कुछ नज़र आता जाएगा। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 और 5, आप इक्वेशन नंबर 2 में देखें कि ए की वैल्यू आई हुई है, आप ए की वैल्यू यहाँ पर यूज़ करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, ये क्या बन जाएगा, 0 = 1 + b। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी b की, b = -1। ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, b की ये एक वैल्यू आ गई है, ये एक एक वैल्यू आई हुई है, दो वैल्यूज़ होगी हमारे पास। नेक्स्ट हम लोग a और b की वैल्यूज़ ना इक्वेशन नंबर 4 में पुट करने जा रहे हैं, किस में पुट करने जा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4 में। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे इक्वेशन नंबर 4 में जब पुट करेंगे तो 2 = a क्या है 1, b क्या है -1, ये बन जाएगा -1 + c, यही -1 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c = 2, ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमारे पास एक वैल्यू मज़ीद फाइंड होने वाली रह गई, वो d, तो आप क्या काम करें, आप b की वैल्यू यूज़ कर दें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 में, तो ये क्या बन जाएगी, तो ये बन जाएगी b की वैल्यू है कितनी, -1, तो ये हो जाएगा 2 = -1 + d, यहाँ से d की वैल्यू -1 उतर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरीके से सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ हम लोग यूज़ कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पर ये कहते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बी कॉम। इक्वेशन नंबर 1 क्या है स्टूडेंट्स, वो है x³ + 2x + 2 / (=), यहाँ पर स्टूडेंट्स दो फ्रैक्शन थे, ये दोनों फ्रैक्शन हम लोगों ने लिख लिए। डिनोमिनेटर में ये था x² + x + 1 और यहाँ पे था x² + x + 1² ए एक्स, ए की वैल्यू कितनी है 1, 1 टाइम x इज़ 1, ए एक्स प्लस बी, बी की वैल्यू -1 है, यानी यहाँ पर आ जाएगा x - 1 प्लस सी एक्स, सी की वैल्यू क्या है 2, 2x + 3, यहाँ पर आ जाएगा 2x + 3। ये स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, बल्कि सिर्फ आपको इसका हिंट दे रहा हूँ, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना के दे रहा हूँ। ट्रस्ट मी यू कैन डू इट वेरी इजीली एट योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 8 ये है 8x² / स्टूडेंट्स सबसे ये क्वेश्चन है आपके पास, सबसे पहले ये देखें क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। यस, ऊपर वाली की डिग्री 2 है और नीचे वाली की डिग्री 6 बन रही है, ठीक है। स्टूडेंट्स देखें, अगर हम इस 1 को 1² लिख लें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फार्मूला नहीं हमारे पास बन जाएगा, हम ना सबसे पहले इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेते हैं। देयर फोर 1 - x² 1 की जगह पर 1² लिख के हम इसको यूँ लिख सकते हैं 1 + x × 1 - x। अब 1 - x² की जगह पर ये उसके फैक्टर लिख लें, ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन क्या बन जाएगी 8x² / 1 / (1+x) / (1 - x) = फ्रेंड्स यहाँ पर देखें ये क्वाड्रेटिक टर्म 2 टाइम रिपीट हो रही है, 2 फ्रैक्शन इसके लिए हो गए,
प्लस, और दो ये लीनियर टर्म है, दो फ्रैक्शन इसके लिए हो गए, ठीक है। तो टोटल हमें राइट साइड पे कितने फ्रैक्शन चाहिए, चार। हम ना चार फ्रैक्शन के लिए स्पेस छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये पहला फ्रैक्शन के लिए स्पेस आ गई हमारे पास, देन प्लस ये सेकंड फ्रैक्शन के लिए स्पेस आ गई, अगेन प्लस थर्ड फ्रैक्शन, प्लस यहाँ पर हमारा लास्ट फ्रैक्शन आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट फ्रैक्शन है एक्स स्क्वेयर प्लस वन, यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर प्लस वन, लेकिन इसके ऊपर स्केयर लगा दें, यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस एक्स। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके ऊपर दो कॉन्स्टेंट ए एक्स प्लस बी, इसके ऊपर भी दो सी एक्स प्लस डी डी, इसके ऊपर एक कॉन्स्टेंट ई, और इसके ऊपर कौन सा लगा लें एफ। फ्रेंड्स आप इस इक्वेशन को ना इक्वेशन नंबर वन का नाम दे लें, किसका नाम दे लें, इक्वेशन नंबर वन का नाम दे लें, ठीक है। अब हमने इस इक्वेशन नंबर वन को आपको पता है क्या बनाना है, फ्री करना है, फ्रैक्शन फ्री करना है। उसके लिए जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर है उससे आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो हम लोग पूरे चैप्टर से काम करते हुए आ रहे हैं। अब हमारा मकसद है ए बी बी सी डी ई और एफ की छः वैल्यूज़ फाइंड करनी है। स्टूडेंट लेफ्ट साइड का जो डिनोमिनेटर है उसमें देखें तो दो लीनियर फैक्टर हैं, तो जो दो कॉफिशेंट है वो ज़ीरो बन जाएंगे, यानी दो वैल्यूज़ इन छः में से दो वैल्यूज़ कॉफिशेंट ज़ीरो बना के आ जाएंगे, ठीक है। जो रेस्ट ऑफ दी हैं वो आपको इक्वेटिंग कॉफिशेंट लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये आपके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर वन से लेकर फोर तक हो गए हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर वन टू फोर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स मेरी ये मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये क्वेश्चन नंबर वन टू फोर अटैम्प्ट करें, इंशाल्लाह। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम हो यू कैन राइट अस इन कमेंट बॉक्स, वी विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज। ओके थैंक यू सो मच।